ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या देख सीखा था? नंबर सिस्टम आपका चल रहा था, पहला चैप्टर, नाइन्थ क्लास मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हमने पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कोई बताए चैट ऑप्शन में लिख करके। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से थे आपके, चैट ऑप्शन में लिखो। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी थी? लिखे सभी चैट में बताएं प्राकृतिक संख्याएं। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है। तो आपकी वो संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी ये संख्याएं अनंत तक चलती चली जाती हैं। इन्हें हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें, किस लेटर से डिनोट करते हैं, जल्दी से बताएं। प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन से, कैपिटल एन से। तो ये थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इन्हें हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, जल्दी से बताएं। होल नंबर्स को W से। कौन कौन सी होती हैं ये संख्याएं, होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, पूर्ण संख्याएं बताएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी, जल्दी से बताएं चैट में लिख के। बच्चों सभी को आवाज नहीं आ रही है, जिसे बेटे यश भाटिया के नाम से जो बच्चे, जिससे आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा घर में जहां अच्छा नेटवर्क आता हो वहां जाएं, या दोबारा लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी सभी को आवाज आ रही है, एक बार चैट पे लिख के बताएं आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें जीरो और सम्मिलित हो जाता है। जीरो और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर के पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, और ये चलती चली जाएंगी अनंत तक। अच्छा, इसके बाद हमने थर्ड कौन सी देखी थी, पूर्णांक। इसके आगे हमने कौन से पढ़े थे, पूर्णांक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को किस लेटर से डिनोट करते हैं, जल्दी से बताएं। इंटीजर्स, हाँ, इंटीजर्स को जेड से। इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। बढ़िया, सभी को याद है पूर्णांक। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बच्चों सभी के को आ रही है, बाकियों से मैंने पूछा आपको आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार दोबारा लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें, लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें, तब के शायद आ जाए। एक बार लेफ्ट करें मीटिंग को और दोबारा रीज्वाइन कर लें। बाकी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको भी नहीं आ रही? नो मैम। बाकी बच्चे जरा बताएं, सबको आवाज नहीं आ रही है? बाकी बच्चे चैट में जरा बताएं। आ रही है। बाकी बच्चों को आ रही है? बच्चों आप जिन्हें आवाज मैम आ रही है, हाँ तो ठीक है, मुझे पता चल गया। जिन बच्चों को आवाज मुझे नहीं आ रही, हाँ जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, वो एक बार लेफ्ट करके दोबारा मीटिंग को दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर ले लेफ्ट करके। ठीक है, पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं आपकी, धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, ये आपकी क्या बनाते हैं, पूर्णांक। फिर से देखें, पूर्णांकों में क्या क्या होती है, धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये आपके क्या होते हैं, पूर्णांक। क्लियर है सबको, यहाँ तक बातें क्लियर थी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? सबने होमवर्क करा? ठीक है, तो अब आगे इस देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, अच्छा मुझे आप बताएं इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। इसका आंसर पोल सेक्शन में बताएं, ये ट्रू होगा या फॉल्स। क्वेश्चन है आपका कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स।
मैम ट्रू। ये बच्चों आप कोई भी आंसर इस पे माइक पे नहीं बोलेगा, सब अपने आंसर्स पोल सेक्शन में देंगे। तो आप लोग पोल सेक्शन में दीजिए, ये आसान नहीं है, जरा सा कथन को सही से समझिए। कथन कह क्या रहा है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स और इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। अभी आपने देखा होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते चले जाएंगे। और इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य होती हैं। अब इस आधार पे सभी बच्चे अपना अपना आंसर देंगे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं। इसका आंसर मैम सेक्शन में दीजिए, कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। सही आंसर मैं बाद में बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आ रहे हैं आप सबके आंसर, सभी आंसर दें। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चों? सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। सावन राणा के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है वो अपना माइक म्यूट रखें, मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ, नहीं तो उन्हें क्लास से एग्जिट कर दिया जाएगा, क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आप बार बार माइक खोल रहे हैं। नेहा कटारिया के नाम से भी जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो भी अपना माइक बंद रखें। ठीक है, तो सभी बच्चों ने अपना आंसर दे दिया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर आधे आधे बच्चों ने दोनों दिए हैं, आधे बच्चों ने ट्रू का है, आधे बच्चों ने फॉल्स का है। ठीक है, तो देखते हैं होती हैं या नहीं। यहाँ देखिए धनात्मक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ है। 0 आपके पूर्णांक है, 0 आपकी पूर्ण संख्या भी है, ये भी है। पर क्या ऋणात्मक संख्याएं जो कि पूर्णांक होती हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं। तो क्वेश्चन में क्या जा रहा है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक आपकी निगेटिव संख्याएं भी हैं, निगेटिव संख्याएं हैं लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आपके पूर्णांक में यदि धनात्मक की बात करें, धनात्मक संख्याएं हैं, वो पूर्ण भी है। 0 की बात करें तो 0 आपके पूर्णांक है, 0 आपकी पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं आपकी पूर्णांक है पर पूर्ण नहीं है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, इसका आंसर बी असत्य होगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसका आंसर क्या होगा, बी असत्य। सबको क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या आया, बी फॉल्स। बताएं सबको क्लियर हो रहा है, एक बार चैट ऑप्शन में बताएं सबको क्लियर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलें आगे, जिन जिन ने गलत आंसर दिया था उन्हें भी समझ में आ गया कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें अपनी कॉपी पे, ये इंपॉर्टेंट है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। आगे चलें, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल और होल नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस लगाना सीखेंगे, कुछ संक्रियाएं सीखेंगे नेचुरल और होल नंबर्स पे। अभी नेचुरल और होल नंबर्स थे आपके, वो क्या होती हैं, या तो 0 या धनात्मक संख्याएं, इन पर हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, आपके संक्रियाएं होती हैं प्लस माइनस गुणा और भाग। आपकी ये चार संक्रियाएं ऑपरेशंस होती हैं, पहला जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा, चौथा भाग। हम इन संख्याओं पर ये चार संक्रियाएं लगाएंगे। ठीक है,
तो आप लगाना सीखते हैं, पहले योग से सीखते हैं। सबको गुणा योग आता है, योग करना, जोड़ करना। तो बस सिंपल धनात्मक संख्याएं और शून्य पर हम योग सीखेंगे। पहला देखिए, आपको दिखा रखा है आशिन और शानू, दो दोस्त हैं, एक आशिन है एक शानू है। दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है। तो मुझे बताएं कि दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, जल्दी से चैट ऑप्शन में बताएं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। एक के पास 5 है, एक के पास 4। जल्दी से बताएं, बहुत सिंपल सा है, जोड़ करना है। एक के पास 5 ट्रॉफी, एक के पास 4, तो दोनों के पास कितनी हो गई, 9 ट्रॉफी। 5 प्लस 4 9। सबको समझ में आया, 5 प्लस 4 कितनी, 9। तो दोनों के पास कुल 9 टॉफियां हैं। अब जल्दी से मुझे आप दो संख्याओं का योग बताओ। ये 2 डिजिट का योग है, 2 अंकों की संख्या का योग। 2 अंकों की संख्या का योग जल्दी से बताओ, इसमें क्या हो गया, 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई हो गई, एक दहाई हो गई। इकाई के अंक इकाई में जुड़ते हैं, दहाई के अंक दहाई में जुड़ते हैं। तो 2 और 7 जुड़ के 2 प्लस 7 9, 5 प्लस 1 6। तो सभी ने सही आंसर दिया, इसका आंसर क्या हो गया, 69। सबको समझ में आया, इकाई के अंक इकाई में जुड़ेंगे 2 और 7 9, दहाई के अंक दहाई में जुड़ेंगे 5 और 1 6। अब जल्दी से मुझे आगे बताओ, इसका इसका योग बताओ, 95 प्लस 17 कितना होगा, 95 प्लस 17। ये योग में इसमें क्या हो रहा है, हासिल आ रहा है, जब हम इकाई के अंक जोड़ रहे हैं 5 और 7, तो 5 प्लस 7 करने पर कितना आ जा रहा है, 12। तो 12 तो आपका 2 अंकों की संख्या हो गई, पर हमें तो यहाँ एक ही अंक लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 आपका इकाई है और 1 क्या है, आपका दहाई का अंक है। ये बात सबके समझ में आ रही है, ये वंस और ये टेंस। तो टेंस डिजिट 1 इसके हासिल में चली जाती है, हासिल हासिल मतलब कैरी ओवर। सबको याद समझ में आ रहा है, हासिल क्या होता है, कैरी ओवर। 1 हासिल में चली गई, तो अब दहाई के अंक ऐड करेंगे, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11। तो सबने 112 सही आंसर दिया है, सबको यहां तक क्लियर है हासिल और कैरी ओवर करके कैसे जोड़ करते हैं। आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं, इसका आ गया 112। अब मुझे जल्दी से इसका योग बताएं, 156 प्लस 178। जल्दी से अपनी कॉपी पे योग करें, 156 प्लस 178 कितना होगा। आने लगे आपके आंसर, सभी करें। सही से टाइप करें बच्चों, पूरा नहीं करा। आने लगे, तो देखिए 6 और 8 14 होता है, तो 1 हासिल चला गया। फिर 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 का 1 हासिल, और ये 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया, 334। सभी ने सही आंसर दिया है, ठीक है आगे चलें। तो अब हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, हम सिर्फ बात कर रहे थे अभी तक प्राकृत और पूर्ण संख्याओं की, धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे थे, 0 1 2 3 और शून्य तक की बात कर रहे थे। तो दो संख्याएं या तो 0 या धनात्मक हो, तो उनका योग भी शून्य या धनात्मक आता है। शून्य में शून्य जोड़ोगे तो शून्य आएगा, तो ये शून्य भी आपकी पूर्ण संख्या है। पूर्ण में पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं, तब भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। समझ में आ रही है बच्चों, माइक ऑन नहीं करेंगे, सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। तो सबको क्लियर हुआ ये क्या है, कि पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो हमें पूर्ण और प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है। कैसे, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं, या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर हमें धनात्मक संख्या ही मिल रही है, जो कि कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो यहां से समझना है, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होता है। क्लियर है, मीन्स नेचुरल या होल नंबर, दूसरा भी नेचुरल या होल नंबर हो, ऐड करके नेचुरल या होल नंबर ही मिलेगा। यहां तक बताएं सबको, बात क्लियर आई, क्लियर है तो एक बार चैट ऑप्शन में यस लिखें, यस के लिए वाई टाइप करें यदि क्लियर है तो। आगे चलें, इसमें कुछ गलत तो नहीं है कि दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो धनात्मक ही मिलेगी, ठीक है। तो अब मुझे आगे एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कहां, पोल सेक्शन में देंगे, चैट में नहीं। आपका क्वेश्चन है,
24 प्लस 13 कितना होगा? जल्दी से बताएं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से, सभी ने कल भी ली होगी कैलकुलेशन। 24 प्लस 13 कितना होगा? आने लगे आपके सबके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे का नहीं। हाँ सभी बच्चे आंसर करेंगे। आधे बच्चों के आए हैं। सभी बच्चे आंसर करें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आएगा बच्चों कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, इसका आंसर सबको पोल सेक्शन में देने का मौका है, सब अपना आंसर खुद से देंगे और जो सही आंसर होगा वो मैं बाद में बताऊंगी, इसलिए आप सभी से कहा जा रहा है कोई भी माइक पे इसका आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है। 2, 4, +1, 3। यदि मुझे आप ही लोगों से आंसर पूछना होता है तो मैं चैट पे लिखवा लेती, एक बच्चा चैट में लिखता है सभी देख लेते हैं। पोल में देने का मतलब ये होता है कि पोल में सब बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे, कोई एक दूसरे का आंसर नहीं जान पाएगा और आप लोगों की इस तरह से अटेंडेंस भी लग जाएगी और आप लोगों की प्रोग्रेस भी पता चलेगी कि किसको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका जोड़ कर देते हैं, देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो ये तो सबसे इजी था, 37। ऑप्शन कितना हो गया? 1 सही आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ध्यान से जोड़ना है, 765 प्लस 38। आंसर बताएं कितना होगा इसका, 765 प्लस 38। जल्दी जल्दी आंसर दें, कोई जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। एक बार आंसर देने से पहले चेक कर लें, रीचेक की सही करा है और फिर पोल में ऑप्शन क्लिक करें। आ रहे हैं बच्चों आंसर आपके, जल्दी से आंसर करें सभी, 765 प्लस 38। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, जल्दी जल्दी, 2, 1, टाइम अप, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर, सभी ने सी दिया है पर एक बच्चे ने बी दिया है, तो आंसर देखते हैं। तो आपका ये क्या है, 765 प्लस 38। तो इसमें जो नई बात थी वो क्या थी कि आपको इकाई का अंक इकाई के नीचे और दहाई का अंक दहाई के नीचे रखना है, बस ये बात इम्पोर्टेंट थी और कुछ भी नहीं। तो हमने क्या करा, 5, 8 जोड़ा, 5 में 8 जोड़ा, 13, 1 कैरी ओवर जाएगा, 1 हासिल चलेगा, तो 1 और 6, 7, 7 प्लस 3, 10, 1 कैरी ओवर गया, 7 और 1, 8। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। तो माइक आप सावन राणा के नाम से जो है वो बहुत बार माइक खोल रहे हैं, आपसे लास्ट बार कहा जा रहा है, नहीं तो मैं फिर क्लास से बाहर निकाल दूंगी, आपने दोबारा माइक खोला अब तो, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 803। तो सब जिस बच्चे ने गलत दिया था बी ऑप्शन, उन्होंने समझ में आया कि उनका एक हासिल लेना रह गया था, ये वाला हासिल उन्होंने लेना भूल गए थे, 8 और 5 और 8, 13 का 1 हासिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको। आगे एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन जल्दी से बताएं मुझे, इसका जोड़ कितना होगा, 245 प्लस 138। जल्दी से इसका योग करें और पोल सेक्शन में आंसर दें, 245 प्लस 138 कितना होगा। आ रहे हैं आपके आंसर, जल्दी जल्दी बच्चे आंसर करें।
लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, सभी ने ये आंसर दिया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 245 + 138 योग करना है, तो 5 में 8 जोड़ेंगे, 13 का 1 हासिल, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 1 3, तो ये 383 है। सभी बच्चों का आंसर सही था, ए 383 सही आंसर है। सबको योग आ गया समझ में। आगे चले, प्राकृतिक संख्याओं का सिंपल सा योग था ये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है, इसका आंसर बताएं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। आने लगे आंसर, तो आपको क्या करना है, बेसिकली वो संख्या बतानी है जो 642 से 531 अधिक है, ज्यादा है। जल्दी जल्दी बताएं सभी बच्चे। अच्छा, टाइम पे आया करें, आपकी क्लास 6 बजे से नहीं 5:30 बजे से है, अब समय 6 हो रहा है और मैं एक टॉपिक योग का करा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो टाइम पे आया करें बच्चों। आगे अभी इजी है, लेकिन आगे और भी चीजें देखेंगे। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का योग इजी है मैं मान रही हूँ, लेकिन आगे घटाव में एक हम नई चीज भी पढ़ेंगे, तो इसलिए क्लास बीच में ना छोड़ के जाए। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों ने बी आंसर दिया है, पर एक दो बच्चों ने ए भी दिया है, पता नहीं क्यों, देखते हैं। योग करना है सबसे पहले, ये तो आपको समझ में आया, 642 से 531 अधिक है, तो ये आपका कितना हो गया, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 5 11, तो ये तो आपका बी आ गया। आप शायद ये कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि इसका अगला वाला टर्म आपसे पूछा जा रहा है, नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या जो 642 से 531 अधिक है, तो 642 + 531 कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया, 1173। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बताएं जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें क्लियर है, उन्हें क्लियर है तो एक बार चैट में सभी को क्लियर है तो आगे बताएं, यस लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं। आगे अब हमारा दूसरा ऑपरेशन पढ़ते हैं, संक्रिया घटाव की, किस पे, नेचुरल और होल नंबर्स पे, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर ही हमें अब घटाव का देखेंगे, तो घटाव का ऑपरेशन देखते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, आशीन और शानू का लिया था, दो दोस्त थे जिनके पास कितनी, 5 और 4 टॉफियां थी। आशीन के पास माना 5 टॉफियां हैं और शानू के पास 4 टॉफियां हैं, तो अब आप मुझे बताएं किसके पास अधिक टॉफियां हैं और कितनी, जल्दी से चैट में बताएं किसके पास ज्यादा टॉफियां हैं और कितनी ज्यादा टॉफियां हैं। आशिन के पास 5 है, शानू के पास 4 है, तो किसके पास ज्यादा टॉफियां हैं और कितनी, आने लगे। आशिन के पास ज्यादा है, आशिन के पास 5 ट्रॉफियां हैं और कितनी ज्यादा है शानू से, 5 - 4 1, 1 टॉफी ज्यादा है। सभी के पास समझ में आई, आशिन के पास कितनी टॉफियां ज्यादा है, 1 टॉफी ज्यादा है, तो
तो ये हमें कैसे पता चला? घटाव से। हमने क्या कर दिया, दोनों की टॉफियों को घटा दिया एक दूसरे से। तो अब ये हुआ एक संख्या का घटाव। आप मुझे बताओ जल्दी से, दो संख्या का घटाव करेंगे 98 - 17 कितना होगा? 98 - 17 जल्दी से बताओ कितना होगा? आने लगे आपके आंसर। तो देखो घटाव में भी वही होता है, इकाई की अंक को इकाई से घटाते हैं, दहाई के अंक को दहाई से घटाते हैं। 8 में से 7 घटाया 1, 9 में से 1 घटाया 8, तो कितना आ गया 81। सबको क्लियर है 81। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे 75 में से 17 घटाना है, तो ये थोड़ा सा अलग है, जल्दी से बताएं सब बच्चे। जब पहले 75 - 17 कितना आएगा? आने लगे आपके आंसर। तो देखिए इसमें अब हमारा ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, जब हम इकाई की संख्या देख रहे हैं, हमें 5 में से 7 घटाना है, लेकिन 5 कैसी संख्या है? छोटी। ध्यान से समझे, 5 छोटी है 7 से, तो अब हमें क्या करना होगा? दहाई के अंक से उधार मांगना होगा। क्या करना होगा? उधार, कि हमें थोड़ा उधार दे दो, हमें बोरो कर, एक बोरो ले लेंगे। उधार को क्या कहते हैं? बोरो। तो एक इससे उधार ले लेंगे, क्योंकि हम दहाई से उधार ले रहे हैं, तो दहाई इकाई से 10 गुना ज्यादा होता है, तो वो एक इसके साथ क्या हो जाएगा, मिलकर इसे 15 बना देगा, और ये 7 से 6 बचेगा। तो 15 में से 8 7 जाएगा, कितना होगा? 15 में से 7 गया तो हमारा 8 बचा, और इधर 6 में से 1 जाएगा कितना? 5। तो ये आपका कितना आ गया? 58। सभी बच्चों ने आंसर सही दिया, बस एक बच्चा लास्ट में, मोहित राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने आईडी से ज्वाइन किया है। ध्यान से समझिए, 6 क्यों आएगा? 6 आ ही नहीं सकता, 7 में से 1 नहीं घटाना है, हमने तो एक उसे उधार दे दिया, एक उधार देने के बाद उसे कितना बचा? 6 बचा, तो 6 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। समझ में आ रहा है बच्चों? 75 में से 17 घटाना है, तो 5 में से तो 7 जा नहीं सकता, 5 को क्या करना होगा? उधार लेना होगा। उधार लिया इससे, तो ये अपना एक उधार इसे देगा, तो ये तो 1 से 15 हो गया, और इनने एक उधार दे दिया, तो ये 1 कम हो जाएगा, ये कितना हो गया? 6। तो अब हम सॉल्व करेंगे, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 1 गया 5। बच्चों बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? मोहित राजपूत के नाम से जिस बच्चे को ज्वाइन किया है उसे क्लियर है? यस मैम। चलिए बढ़िया, ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका बताओ क्या होगा, 240 - 156। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? रीना खुनाएंगे के नाम से जो बच्ची ने ज्वाइन किया है, सही करें अपना आंसर। आने लगे आंसर। 0 में से देखो बच्चे, 6 नहीं जा सकता, एक उधार लेंगे, एक उधार लेने पर ये कितना बचेगा? 3 हो जाएगा, और ये 0 से 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4। 3 में से 5 नहीं जा सकता, ये फिर से क्या करोगे? उधार लोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 13, और ये 1, तो 13 में से 5 गया 8, 1 में से 1 जाएगा 0। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया 84। कोई नहीं, गलती से हो गया, ठीक है, पर आपको आ गया समझ में, 84 आया, ठीक है। आपने भी सही दिया आपकी बार, मोहित के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। सबको अब क्लियर हुआ हासिल का? आगे चलते। यस मैम। आगे चलते हैं, अब 3 संख्या के बाद, अब देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जब हम 2 प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का घटाव कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हमें प्राकृत और पूर्ण संख्या ही मिले, ये जरूरी नहीं है। वहां हमें, जब हम योग कर रहे थे नेचुरल और होल नंबर्स का, तब तो हमें नेचुरल और होल नंबर्स ही मिल रहे थे योग के बाद भी, लेकिन घटाव में नेचुरल और होल नंबर का घटाव करें तो वही मिले, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका 8 और 6 दोनों कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं हैं, इनका घटाव भी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या मिला, ये तो मिला,
लेकिन ये आपकी पूर्ण संख्या है जीरो, और ये भी आपकी पूर्ण संख्या है पांच। तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या आपने माइनस करी, जीरो माइनस पांच, तो कैसी संख्या मिली? माइनस फाइव। माइनस फाइव पूर्ण नहीं होती है, माइनस फाइव क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो यहाँ पर आपको पूर्ण संख्याओं का घटाव करने पर एक पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है। तभी क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का घटाव प्राकृतिक और पूर्ण मिले, ये जरूरी नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है कि जब हम बड़े से छोटी संख्या घटाते हैं, आठ में से छह घटा रहे हैं, बड़ी में से छोटी घटाई तो धनात्मक आ गई, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, छह में से आठ घटाने को आया, छह में से आठ घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का दो। तब तो हमें क्या मिलेगी? ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, वो कैसी होती है? पूर्णांक। ये बात समझ में आई? ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, वो क्या होती है? पूर्णांक होती है। इसलिए दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? फिर आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन में है आपका, जल्दी से मुझे बताएं, बहुत इजी सा है, 6 9 से कितना छोटा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से पोल में बताएं, 6 9 से कितना छोटा है? अरे आंसर बच्चों आपके, जल्दी जल्दी आंसर करें। क्या लास्ट 10 सेकेंड? 10 9 8 7 छ, जल्दी 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 जल्दी, 5 4। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बस इतना ही पूछा जा रहा है, 6 9 से कितना छोटा है? पांच चार तीन दो एक। टाइम अप। तो आप देखते हैं, तो बच्चों इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? किसी आधे बच्चों ने कहा 3, आधों ने कहा -3। इतना ही तो पूछा जा रहा है, 6 9 से कितना छोटा है? आम भाषा में भी कोई पूछे 6 9 से कितना छोटा है, तो आप क्या कहोगे? 6 9 से कितना छोटा है? 9 -6 3, तो कितना आया? 3। इसे ऐसे क्यों समझ रहे हो कि मैंने पूछा होगा कि 6 -9 कितना है? -3। ये थोड़ी आम बोलचाल की भाषा में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 9 से कितना छोटा है। 9 से, ये बात देखो ना, 9 से कितना छोटा है? 9 -6 कितना आया? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। क्लियर है? आगे चलें, एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। 42 -27 जल्दी से बताएं कितना होगा? 42 -27, जल्दी से पोल सेक्शन में सभी आंसर करेंगे बच्चों, सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में करो जल्दी से। बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करो, अब तो 6 बजे से भी ज्यादा, 6:10 हो गया, क्लास खत्म होने का टाइम आ गया है और आप लोग अब ज्वाइन कर रहे हो। मैम मैम, मेरे पेपर का दब गया था। क्या हो गया था बच्चों, क्या बताया? मैम कट का बटन वो दब गया था गलती अच्छा से। अच्छा लेफ्ट हो गए थे आप, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से, 42 -27 कितना होगा? लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 छ 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, 42 -27 कितना होगा? इसमें इतनी वैरायटी क्यों आ रही थी आपके आंसर में? ये तो इजी सा था बच्चों। माइक ऑफ रखिए सभी। तो देखिए, 2 में से 7 तो जा नहीं सकता, क्या करेंगे? बोरो करेंगे।
दो में से सात नहीं जा सकता, तो आप इससे एक बोरो करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 3 रह जाएगा। 12 में से सात गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आया 15। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बच्चों गलत इतना क्यों कर रहे थे आप? इसमें क्या परेशानी आ रही थी आपको? फिर से समझे, 42 माइनस 27 आपसे पूछा जा रहा है। दो में से सात जा नहीं सकता, क्या करोगे? बोरो लोगे, उधार लोगे, तो ये 4 से उधार मांगोगे, ये अपना एक उधार देगा तो खुद क्या हो जाएगा? 4 से 3 रह जाएगा। इनने एक उधार दे दिया तो ये 2 क्या बन जाएगा? 12। 12 में से सात माइनस 12 में से सात माइनस करोगे कितना आएगा? 12 में से सात जाने पर 5 बचेगा, तो 12 में से सात गया कितना बचा? 5, और 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर क्या होगा? डी। बताएं इसमें क्या वो आ रही है परेशानी? एक बार जिससे इसको परेशानी है वो मुझे लिखकर बताएं कि मैं दोबारा से समझाऊं। 42 माइनस 27, बच्चों आंसर आपका बहुतों का गलत था इसका। क्लियर हुआ? 42 माइनस 27 कितना कैसे आया? 15। सबसे पहले समझिए, दो में से सात नहीं जा सकता तो एक क्या करेंगे? उधार लेंगे। जब इससे एक उधार लेंगे तो 4 3 रह जाएगा, और चूंकि हम दहाई से उधार ले रहे हैं, दहाई के अंक से उधार ले रहे हैं, तो वो इकाई के साथ मिलकर क्या जाएगा? इकाई होता है वंस और ये होता है टेंस, मतलब ये 10 गुना होता है, ये 1 गुना होता है। तो ये एक जो है वो एक नहीं 10 उधार में आ रहा है, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12, ऐसे समझो। तो इसीलिए ये एक एक नहीं 12 बन जाता है। 12 में से सात गया 5, 3 में से 2 गया 1, क्लियर है? आगे चलें, 15 फिर आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसका आंसर बताएं जल्दी से, हल करें। 942 माइनस 635, पोल सेक्शन में बताना है इसका आंसर जल्दी से। सभी बच्चे इसका आंसर दें। 942 माइनस 635 कितना होगा? आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी, सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। बच्चों अपना माइक नहीं खोलना है। लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। ठीक है, तो सभी ने इसका आंसर डी दिया है, तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 942 माइनस 635, तो वही है, दो में से पांच नहीं जा सकता, क्या करना है? उधार लेना है दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये 12। 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो कितना आ गया? 307। सबने सही आंसर दिया बच्चों, सबका आंसर डी सही था। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, पर सभी अपने अपना ध्यान से करेंगे। पहले क्या है? दो योग 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? पहले तो दो योग निकालना है, पहले दो का जोड़ बताइए, फिर जो दोनों का जोड़ आए उनका अंतर कितना होगा ये बताइए। ठीक है, करें आंसर, सब अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में दें।
बच्चों माइक मत खोलें, सावन राणा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है आपका माइक बहुत खुल रहा है। जल्दी से आंसर दें, पहले योग करें 145 और 185 और 234 प्लस 232 का, फिर उनका अंतर बताएं। जल्दी जल्दी अब आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर बी और डी भी दिया है कुछ बच्चों ने, तो देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। पहले आपसे दो योग की बात पूछी जा रही है, 145 और 185 का योग, इनका जोड़ बताना है, तो जोड़ करिए, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 1 हासिल गया, 4 और 1 5, 5 और 8 13 का 1 हासिल हुआ, तो ये कितना आ गया 330, पहला जोड़ आ गया 330। दूसरा जोड़ भी निकाल लेते हैं, 234 में 232 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 2 और 2 4, ये आ गया 466। तो आपके दो जोड़ आ गए हैं, एक 466 और दूसरा 330। अब कहा जा रहा है इन दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर निकालना है, तो इनका अंतर आप देख लेते हैं कितना होगा, इनका अंतर कितना होगा, माइनस, अंतर का मतलब घटाव करना है, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 4 में से 3 गया 1, तो बताएं इसका आंसर क्या आया, 136। तो सबने बाकी आंसर क्यों दिए थे, इसका ऑप्शन सी सही है। जो बच्चों ने बी और डी दिया था उन्हें क्लियर हुआ कि इसका आंसर कैसे 136 आया, अपनी उन्हें गलती दिखी। आपसे केवल सेकंड वाले का जोड़ नहीं पूछा था, ये सेकंड वाले का जोड़ था, ये पहले वाले का जोड़ आया था, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 136। तो आपका आंसर क्या है, सी। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया था उन्हें भी क्लियर है, एक बार चैट में लिख के बताएं क्लियर है। आ रहे आंसर सबको क्लियर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो बात थी आज हमारे जोड़ और घटाव की। तो जोड़ और घटाव में आपने क्या सीखा कि दो नेचुरल और होल नंबर्स मींस प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का योग, योग जो है वो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या होगा, योग तो होगा, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं, दो धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक संख्या ही होगा, लेकिन घटाव जरूरी नहीं कि प्राकृतिक और घटाव नेचुरल और होल नंबर ही हो, तो घटाव दो नेचुरल या होल नंबर्स का घटाव ये जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ही हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबको ये क्लियर हुआ, बाकी आगे अगले नेक्स्ट टर्न पे हम गुणा और भाग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो आपकी जोड़ और घटाव की हो गई, अभी बताएं यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो आप इसके बाद आपको होमवर्क मिल जाता है, होमवर्क आज आप क्या करेंगे ये भी देख लें।
सबके साथ वो वर्कबुक की पीडीएफ शेयर है। वर्कबुक की पीडीएफ में ही आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीन पेजेस आपके आज के होमवर्क हैं। ये देखिए, ये आपकी वर्कबुक है। हमने यहाँ तक कर लिया था पूर्णांक तक, इसके आगे अब ये आपका होमवर्क है पेज थ्री से। पेज थ्री पे देखिए कॉन्सेप्ट फोर है आपका, संख्याएं पूर्ण प्राकृतिक और पूर्ण का योग। पहले आपको योग बताया गया है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे 4.1 और 4.2। सभी बच्चे इसकी एक्सरसाइज करेंगे होमवर्क में 4.1 4.2। इसके बाद आपकी वर्कबुक में आगे है संख्याएं प्राकृतिक और पूर्ण को घटाना। घटाने में भी आपकी दो एक्सरसाइज दे रखी है 5.1 और 5.2। तो ये आपके कौन कौन से पेजेस तक आ गई, पेज नंबर 5 तक आ गई है, यहाँ तक 5.1 और 5.2। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ कि क्या है होमवर्क आपका आज का? बच्चों किसी को कोई बात पूछनी है क्या, कोई डाउट तो बताएं। तो होमवर्क क्लियर हुआ। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क पेज नंबर वर्कबुक में पेज नंबर आपका 3, 4, 5, इस पे आपकी एक्सरसाइज है 4.1 4.2 और एक्सरसाइज 5.1 और 5.2। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आज की क्लास का भी कोई कुछ पूछना हो तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, आज की क्लास का इतना ही था। नेक्स्ट टर्न पे अब हम गुणा और भाग भी देखेंगे, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का गुणा और भाग।